एक घूमे वाला स्पिंडल या धुरी बनाए खातिर अपने के धागा और आइसक्रीम का डंठी लगी। पहले आइसक्रीम का चपटा डंठी लेके उसके दो हिस्सा में काट लें। डंठी के दो हिस्सा में अच्छा से काट लें। कटले के बाद ओके हर एगो दोनों छोर पे कैंची से वी नॉच या त्रिकोण शेप का एगो खाचा बना ले दोनों छोर पे। डंठी के गिल्ला करले पे यू बहुत आसानी से हो सकेला। ऐसा कहले के बाद अपने के दो गो धागा का घेरा चाहिए जो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होके आप लोग देख सकें कैसा है भाई। ऐसे धागा का घेरा बनाने के बाद अपने एगो मित्र के एगो धागा के एकदम टाइट फैला के रखे के बोल लें। ओकरे बाद बीच में अपन कटल बैल आइसक्रीम का डंठी लगा लें टाइट धागा के बीच में। ओकरे बाद ओके घुमाएल चालू कर लें। टाइट कैले के बाद एक घुमावत जाए ताकि वो धागा एकदम गांठ के नुमा बन जाए और ट्विस्ट हो जाए। ऐसा कैले के बाद धागा का दूसर घेरा अपने डंठी के खाँचा में डाल दें और धीरे धीरे जौन घूमल भइल धागा रह लो ओके छोड़ दें। आप लोग देख सके नीचे के तेरे ऐसा छोड़ने के बाद अगर आप लोग वापस दूसर का घेरा के खींचन जा और छोड़न जा तो आप लोग देख सके नीचे कि अपन ये स्पिनिंग स्पिंडल या धुरी अच्छा से घूमेला। आप लोग एक डिज़ाइन अपने मन मुताबिक भी बना सके नीचे आप लोग देख सके नीचे। एक हाथ से घुमाओ जब धागा खींचन जाए तो ये बहुत अच्छा से घूमेला। ये एगो मशीन के जैसे लगेला घूमत भाई बहुते सुंदर लगेला। ये एक खिलौना के दूगो बच्चन एक साथ खेल सके ना और एक खिलौना खातिर पैसा भी ना लगेला ज़्यादा।